subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. People have to live in unity. We are still in transition. Civil society has been decimated. Of course, we rely on media. And I think the government has not done enough. The international community has failed to respond. No place in the world is perfect. Severe injustice, and they should be stopped. We should raise our voices. Condemn this brutal act. Civil society has been decimated. To move forward, and we have one of the most dynamic political leaders in Pakistan, especially from our Pashtun lands, who has made his mark in the parliament and outside the parliament, a gentleman inside and out, gentleman throughout, a member of the Pakistan's National Assembly from Waziristan, Janab Mohsin Dawar. There is very few people that I can say this with ultimate confidence that he is who he is when he's talking to you in private or when he's speaking publicly. The same inside and out, same sincerity, same zeal, same passion, same poise. I would request Mohsin to please speak for us. Thank you very much. South Forum. हम एक दफा फिर बहुत मशहूर हैं कि ये हमें दावत भी दी और ये प्रोग्राम आज फिर वर्चुअली मुनक्किद हो रहा है. मुझे वो पहला साथ फोरम तो दूसरा था, लेकिन मेरी पहली उसमें पार्टिसिपेशन थी 2017 में, आई गेस. तो वो उसमें जो डिबेट्स हुई थी, मेरे ख्याल में आजकल जो नैरेटिव डेवलप हो रहा है अक्रॉस द पाकिस्तान, उसका काफी हद तक उस का किरदार भी है उसमें. बात जहां तक सिविलियन सुप्रीमेसी की है, और मुझे अपने अल्फाज अभी तक याद है, मैं अभी तक वो साथ कॉन्फ्रेंस के जो मेरे 2-3 मिनट की क्लिप है कि ये सिचुएशन बदला नहीं है, हालात बदले नहीं है, वही चीज बार बार रिपीट हो रही है, वही हालात बार बार हमें देखने को मिल रहे हैं. अभी रिसेंटली जो पीडीएम बनी है, वो भी मेरे ख्याल में उसमें भी काफी किरदार पाकिस्तानी इदारों का, फौज का, और ये जो बेवकूफ यहाँ हमारे ऊपर मुसलत कर दिए गए उनका था, क्योंकि वो ये नहीं था कि पाकिस्तान की सियासी जमातें कंप्रोमाइज के मूड में थी नहीं. वो 2-3 साल तक बेचारे कंप्रोमाइज को की रिक्वेस्ट के साथ ही अपनी जो एक मसनूई किस्म के अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे थे, लेकिन जब उनके लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए गए थे और मतलब उस कंप्रोमाइज स्टांस के साथ भी उनको बख्शा नहीं गया था, जो कि मेरा बहुत ही क्लियर ओपिनियन है कि ये जो पाकिस्तानी फौज है, ये आपको किसी सूरत बख्शती नहीं है. आपको अगर ये किसी की मेरा अपना जो मुख्तसर किस्म का इनके साथ जो 2-3 साल से जब से हम पीटीएम बनी है, पहले जो हमारे मुज़ाकरात हुई, तो मैं हमारी तकरीबन लोवेस्ट से लेकर हाईएस्ट रैंक के जितने भी इनके लोग हैं, पहले ही जो हमारा यहाँ पर इस्लामाबाद में धरना था उसके बाद, और बीच में एक और 2 मुलाकातें भी हमारी इनकी टॉप स्टार्ट के साथ हुई. मेरी अपनी जो परसेप्शन है इन तमाम उसके बाद की डिसेप्शन इनकी जीन्स में है, ये इन लोगों ने धोखा जरूर देना है और बख्शना किसी सूरत में नहीं है आपको. तो ये जो अभी जो माहौल बना है, ये इसी के बाद बना है कि वो बेचारे कंप्रोमाइज करते करते, लेकिन उनको जब तमाम रास्ते बंद हो गए उसके बाद, अब स्टिल लेट्स होप कि मिसाल ये चीज आगे बढ़े और इसी मोमेंटम के साथ, इसी नैरेटिव के साथ, इसी टोन के साथ, इसी जज्बे के साथ. हालांकि कोई बहुत ज्यादा उम्मीद मुझे पर्सनली तो है नहीं, लेकिन फिर भी लेट्स होप फॉर समथिंग बेटर.
अब हम जब देखते हैं माजी को, हम फिर भी मैंने पहले भी सियासी जमातों के किरदार को क्रिटिसाइज किया था, मैं आज भी कहता हूं कि पूरी की पूरी रिस्पांसिबिलिटी पॉलिटिकल पार्टीज की है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ही आवाम की नुमाइंदगी है, पॉलिटिकल पार्टीज ही रिप्रेजेंट करती है आवाम को। हम ये जब से पीडीएम का ये सिलसिला शुरू हुआ है, जो लीडरशिप की मीटिंग हुई थी उसमें भी मैं मौजूद था, और उसके बाद जो पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी। अच्छा, जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जब बात आती है तो मेरी उसमें रिक्वेस्ट थी कि एक रिवाइज्ड वर्जन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का होना चाहिए, उसको सम ने साइन भी करना होगा ताकि मुस्तकबिल के लिए हमारे पास कोई वर्किंग प्लान हो। अब जब वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मैंने थोड़ा सा जार डाउन किया, क्योंकि काफी टाइम गुजर चुका था, उसमें ऐसी ऐसी चीजें मौजूद थी जो मेरे ख्याल में उस पर अगर अमल हो जाता और जिन्होंने इनको साइन किया था वो 200 जमातें इकतदार से होकर गुजरी है। नवाज शरीफ के साथ तो खैर काफी ओवरवेलमिंग मेजोरिटी, पीपल पार्टी के साथ भी अच्छी खासी वो थी, मेजोरिटी थी, लेकिन उन दोनों काफी शिकों को और काफी क्लॉजेस को उन्होंने टच भी नहीं किया। मसलन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये भी था कि भाई हम MI को डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर और ISI को कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के मातहत लाएंगे और कंसर्न मिनिस्ट्री से ही इनकी बजटिंग होगी और वो सारी पार्लियामेंट से अप्रूव होगी। लेकिन जब इन दोनों की हुकूमतें आई तो फिर ये दोनों तमाम, और मैंने बाय द वे एक प्रपोजल ये भी दी है कि एक इंट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस के बगैर कि जो पिछला चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था उससे लेकर अब तक, बुनियादी तौर पर मेरा इशारा उस काले कोट की तरफ था जो नवाज शरीफ साहब ने पहना था और वो मेमो गेट केस में सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तो वो तो जब अब आएंगे, जब एक कमेटी बनेगी, मेरी प्रपोजल तो यही कि कमेटी बनी चाहिए जो एक इंट्रोस्पेक्टिव ना, तो हम खुद एहतसाबी भी तो करें ना कि भाई सियासी हम उनको मुरीद निज़ाम तो ठहराते हैं, भाई उन्होंने तो कब्जा किया हुआ है, वो तो इतने आसानी से ये पावर देने वाले नहीं है। अगर अब हमने उसे छीनना है या उसको वापस पार्लियामेंट को दिलवाना है तो हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले तो अपने माजी के जो किरदार है उसकी भी थोड़ी सी इसलाह करनी होगी, उसकी भी तो थोड़ी स्टडी करनी होगी कि भाई जब हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर एग्री हो भी गए थे उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो दोनों पार्टियों ने मिलकर एक हुकूमत बनाई, एक डिक्टेटर को हमने कुर्सी से हटाया भी, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जो बाकी क्लॉजेस थी उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? तो इन तमाम चीजों पर मेरे ख्याल में एक पॉलिटिकल वैक्यूम बिल्कुल है, और ये मेरे ख्याल में लास्ट चांस है पाकिस्तान की सियासी जमातों के पास, ये बिल्कुल ही आखिरी चांस है। अगर इस दफा भी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो मेरे ख्याल में आजकल ये जो नया मिडिल क्लास उभर रहा है तो मेरे ख्याल में ये अपना रास्ता ढूंढ लेगा। ये ऐसा नहीं है कि मिसाल दे विल स्टिक टू द सेम, ये जरूरी नहीं है। मिसाल कोई नवाज शरीफ ही घर से नहीं कहता, ना कोई बिलावल भुट्टो के उससे आता है, सबको एवरीबडी इज थिंकिंग इंडिपेंडेंटली। प्लेटफॉर्म बन भी सकते हैं और वो प्लेटफॉर्म जो है वो फिर मटेरियलाइज भी हो सकते हैं। वैक्यूम इतना ज्यादा है कि पंजाब में भी है, पख्तूनख्वा में भी है, बलूचिस्तान में भी है, सिंध में भी है। तो ये एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज ने अगर इस लास्ट अपॉर्चुनिटी को भी यूटिलाइज नहीं है तो मेरे ख्याल में कोई और आगे बढ़ेगा और वो इस माहौल को, ये जो वैक्यूम है, इस चीज को वो आगे पर मटेरियलाइज कर देंगे। तो और एक मेरे ख्याल में इनको खुद भी ये पता है कि ये लास्ट चांस है, ये जो इतना एग्रेसिव स्टांस इन्होंने लिया है, मेरे ख्याल में उनको भी पता है कि मिसाल आवाम काफी आगे जा चुकी है। बाकी जहां तक पाकिस्तानी जर्नैलों का मसला है वो तो मेरे ख्याल में उनका इससे कोई सरोकार है ही नहीं कि पाकिस्तान का क्या बनना है और आने वाली नई जो हुकूमत है, आने वाली नस्लों का, इनका क्या बनना है। वो तो एक जिस तरह की अब एक नई इस्तेलाह निकली है कि भाई स्टेट अबाउट स्टेट बन चुकी है, तो उन्होंने तो अपना एक अलग से इतना फाइनेंशियल बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है कि उनकी अपनी रेवेन्यू जनरेशन हुकूमत से भी लेते हैं, अपनी भी पता नहीं 50-60 तक बिजनेस एंटरप्राइजेस यहीं पर चला रहे हैं,
और इन जर्नल को मेरे ख्याल में शायद इन द बैक ऑफ देयर माइंड उनको ये चीज उनके जहन में है कि भाई ये मुल्क चलने वाला नहीं है, इसलिए जितना इसको अपनी बारी में लूट सकते हो, जितना कुछ समेट सकते हो। आप देख लेना पिछले चार जनरल्स है कौन पाकिस्तान में है, राहिल शरीफ यहाँ पर है, परवेज मुशरफ यहाँ पर है, ये कयानी यहाँ पर है, या एक और जो दूसरा परवेज मुशरफ से वो जो अभी अमेरिका में है, क्या नाम है मुझे नाम, हाँ वो मतलब ये सारे कोई किसी टैंक में चला, किसी ने कहीं पर जजीरा खरीद लिया किसी को, तो वो इनका कोई इंटरेस्ट नहीं कि भाई इस मुल्क के साथ हमें क्या लेना देना है। तो वो मेरे ख्याल में ना ही उनका कोई वो है, वो बस सिर्फ इसी मकसद के साथ कि भाई हमने ये जो हाईएस्ट सियासतदान, तो फिर भी नवाज शरीफ अगर वजीर आजम है तो कुछ ना कुछ उनको आवाम का ख्याल इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि उनका पता है कि भाई कल फिर इसी आवाम के साथ मेरा वास्ता भी पड़ेगा और कल अगर फिर मुझे ये वजीर आजम बनना है तो आवाम, लेकिन उनका तो उनको पता है कि भाई एक दफा जब मैं आर्मी चीफ बन गया तो एक दफा शायद एक्सटेंशन मिल जाए, चलो उसके बाद तो फिर कुछ भी नहीं है। तो उसी को मतलब वो उसी टाइम को वो वाले गनीमत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और मेरे ख्याल में उनको शायद ये बात भी हो गई कि भाई शायद ये मुल्क पता नहीं आगे, आई डोंट नो, लेकिन वो उनकी स्टेक्स पहले ही दिन से वो मुल्क से बाहर है। बाकी तो ये डिबेट है, वो नैरेटिव है जो उन्होंने खुद को दूध के दिलों में साबित करते हैं, हालांकि एक नौकरी में इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर, और ये जो अहमद नूरानी ने अभी स्टोरी की ये तो सिर्फ एक ग्लिम्स है, इस तरह के पता नहीं कितने शायद कितने बड़े कितने जर्नल हो जो जिनकी बिजनेस एम्पायर इससे भी ज्यादा हो। मेरे ख्याल में सियासी जमातों ने इस चीज को भी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया कि खुदा के बंदो हमारी जायदाद देखो, इन जर्नलों की देखो, हम काफी स्ट्रॉन्ग पोजिशन पे है, लेकिन अगर हम प्रॉपरली थोड़ी सी करेज का मुजाहरा करो और इफेक्टिवली इस पूरे सिनेरियो को यूटिलाइज कर पाए। हमें मसला यह है कि मिसाल हमें जो मटेरियल मिलता है हम उस पर भी नहीं बोलते। अब ये जो आसिम बाजो का केस आया है, इस पर अगर कोई बोलता भी है तो इतने दबे अल्फाज में बोलता है, इतनी बड़ी स्टोरी है। और ये मेरे ख्याल में मुझे पता है कि ये सियासतदान अगर चाहे, हमारी तो कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है, लेकिन ये जो जिनकी ज्यादा स्टेक्स है अगर ये चाहे तो वो इसकी तरह बाकी भी कई जर्नलों की जायदादों की जो डिटेल्स है वो निकलवा सकते हैं, लेकिन बहरहाल क्या करें। एनी हाउ फिर टू कट इट शॉर्ट टू कंक्लूड इट, मैं यही कहूंगा कि अगर पाकिस्तान की सियासी क्यादत ने सीरियसली नहीं सोचा तो आवाम शायद फिर आवाम फैसला बदलने में मेरे ख्याल फिर देर नहीं लगाएगी मुस्तकबिल। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश मोहसिन दवड़, आपकी बहुत इनायत इतने for this straight talk, absolutely fabulous and well articulated. Some of us are old enough to remember when General Zia said that army is my constituency. So when the establishment and the generals actually plan their moves and policy and practice, they look at their own constituency. So long as the constituency is happy, they are happy. Civilian politicians obviously have to look at their constituency, and the constituency actually has spoken. What we had not heard in decades, maybe many moons ago, I attended a rally in Mochi Darwaza with Khan Wali Khan at that time, and we had some movement at that time. It was a MRD rally, but the way the streets of Lahore spoke 2 weeks ago. This is unusual, unheard of. We had not heard anything of that sort. So people have spoken. The leaders have to listen to them at this point. And as many have said, and Mohsen rightly pointed out, that this is a watershed moment, event in Pakistan's political history, a checkered history. Moving forward, I would request our awesome colleague and mentor and seasoned parliamentarian, Madam Bushra Gauhar, to speak and enlighten us about the civilian supremacy and the lopsided balance that we have had in Pakistan over the years between army and the civilian enterprise and dispensation. Thank you. Salamuna, can everyone hear me? Yes. Salamuna and greetings to everyone. Thank you, Saath, for giving me this opportunity. मैं सबसे पहले तो
एम्बेसडर हुसैन हकानी साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ, साथ फोरम को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि कुछ तो है कि एक 5 साल में इतने कम अरसे में जमहूरियत के लिए जो आवाज उठाई गई, जो डिबेट शुरू किया गया, ह्यूमन राइट्स के लिए और आईन की बालादस्ती के लिए जो डिबेट शुरू किए हैं साथ फोरम ने, तो उसका हीट जो है तो वो पपेट पीएम तक पहुंच गया है। तो ये तो मुबारकबाद की बात है, एक पपेट पीएम और उसके सिलेक्टर्स को ये हीट पहुंचना चाहिए, तो यू आर डूइंग समथिंग राइट एंड आई'd लाइक टू कांग्रेचुलेट यू फॉर दिस एंड दिस डिबेट नीड्स टू कंटिन्यू। दूसरा, मैं एनी जमान साहिबा की तरह तो ऑप्टिमिस्ट नहीं हूं, लेकिन एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एज अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, ऑप्टिमिज्म की हमें जरूरत है। और मैं चंद ऐसी उम्मीद की किरणें जो हैं तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ऐसे भी इन ब्लीक टाइम्स में, इन डिसमल सिचुएशन में भी कुछ ऐसी उम्मीद की किरणें हैं। सबसे पहला तो पीटीएम, जो पश्तून यूथ जिस तरीके से उठे हैं और उन्होंने जो डर की और खौफ की जो फजा है उसको तोड़ा है, तो ये एक हमारे लिए जो आवाम उठ खड़ी हुई है और फिर जो महकूम कौमें हैं जो उठ के उनके साथ सपोर्ट में खड़ी हुई हैं, तो ये एक पॉजिटिव स्टेप मुझे नजर आता है। और मैं समझती हूँ कि इसकी वजह भी ये है कि जो काम सियासी लीडरान को करने की जरूरत थी कि वो फाटा में या पख्तूनख्वा में जो तालिबानाइजेशन की वजह से डेथ, डिस्ट्रक्शन और डिस्प्लेसमेंट के जो वो हो रहा था, तो उसमें उन्होंने जो रोल प्ले करना था तो वो नहीं प्ले किया और इसीलिए नौजवान खुद खड़े हुए और उन्होंने खौफ का वो फजा तोड़ा है। फिर विमेन एक्शन फोरम, जिसने जियाउल हक के काले कवानीन को चैलेंज किया और रोडों पे आए, तो फिर से मुतहरिक हैं, दे हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग। और अभी रिसेंटली राइट टू इंफॉर्मेशन के हवाले से उन्होंने जजेस, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस और इसी तरह जर्नेलों के, वाइस एयर वाइस मार्शल्स, मार्शल सब के, उन्होंने एसेट्स डिक्लेरेशन का और वो मांगा है। इंफॉर्मेशन अभी तक मिली नहीं है, लेकिन इट इज अ पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड। फिर अगर आप देखें तो पाकिस्तान एचआरसीपी का मैं यहाँ मेंशन करना चाहती हूँ कि जब खड़कमर मैसेकर हुआ तो कोई भी उसको टेकअप नहीं कर रहा था। एचआरसीपी ने एक कमीशन बनाया जो गया, लोगों से बातें की और उसके बाद एक रिपोर्ट खड़कमर मैसेकर पे उन्होंने प्रेजेंट किया। और वो रिपोर्ट अगर ट्रूथ कमीशन बनती है तो वो रिपोर्ट जिसने क्लियरली बताया कि खड़कमर मैसेकर के पीछे क्या था, तो ये एक बहुत ही बोल्ड रिपोर्ट है जिसको मेरे ख्याल में एक स्टेप फॉरवर्ड है। इसी तरह पाकिस्तान बार काउंसिल की जो अभी मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई और जिस तरीके से उन्होंने एजेंडा रखा पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, जमहूरियत और आईन की बालादस्ती और ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और वही एजेंडा फिर मल्टी पार्टीज जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, एपीसी जो हुआ है अपोजिशन का, तो वही एजेंडा वो आगे लेके गए हैं। इसी तरह मैं समझती हूँ कि हमारे कुछ जजेस जो हैं, जिस तरीके से उन्होंने जमहूरियत के अपने जजमेंट्स के थ्रू जमहूरियत और आईन के हवाले से जजमेंट्स दिए, वो काफी पॉजिटिव वे फॉरवर्ड है। उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूल को चैलेंज किया है फौज के, और ये पहली दफा हुआ है कि इतनी बोल्ड तरीके से ये वो हुआ। अब अगर हम आते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत का जो हाल है, पहले कहा जाता था कि लंगड़ी लूली जमहूरियत भी बेहतर है आमरियत से, लेकिन अभी तो हमें ऐसे लगता है कि जो वो टोटली कंट्रोल्ड पार्लियामेंट है, इररिलेवेंट उसको कर दिया गया है, एक पपेट शो है और उसके पीछे जो
लोग हैं तो वो पूरी तरह कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन तकी साहब ने पहले दिन अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि एक नैरेटिव आर्मी का है पाकिस्तान में और एक नैरेटिव पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडर्स जो लेके आते हैं. लेकिन ओवर द इयर्स मैं देख रही हूँ कि एक कंसेंसस पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स में भी आ गया है कि फौज के बगैर उनको इक्तदार नहीं मिल सकता. और ये कंसेंसस जो सरेंडर की तरफ ये लोग गए हैं तो उसकी वजह से अगर हम आज जनरल सिलेक्शन 2018 की बात करते हैं तो उसमें जो रोल प्ले किया मेजॉरिटी पॉलिटिकल लीडर्स ने, जिस तरीके से सरेंडर किया और जिस तरीके से उन्होंने फौज के या जो इंजीनियरिंग में अपना हिस्सा डाला है, तो उसको भी हमें क्वेश्चन करने की जरूरत है. और ये दो साल में जिस तरीके से पार्लियामेंट में बाहर से ऑर्डर्स आते थे, टेलीफोन कॉल्स पे बात होती थी और लेजिस्लेशन पास होते रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल लीडर्स के जो सरेंडर है, या वो ये नहीं कहते कि ये सिलेक्शन गलत, ये सिलेक्शन वो कहते हैं गलत हुई है, लेकिन वो ये कहना चाहते हैं कि हम लाइन में खड़े हैं, वी कैन बी बेटर पपेट्स. और जब तक ये बात रहेगी कि हम ज्यादा अच्छी तरह सर्व कर सकते हैं, तो आप सिविलियन सुप्रीमेसी की जब बात करते हैं तो ये नहीं, आगे हम बढ़ ही नहीं सकते. जब पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं वो पेटी वेस्टेड इंटरेस्ट्स के लिए वो अपनी जो वो सरेंडर कर देते हैं, जो स्पेस है उसको सरेंडर कर देते हैं. अब इसकी मिसाल जो है हमें सामने आई है, रिजल्ट्स जो हैं कि सेनेट के चेयर के नो कॉन्फिडेंस वोट में, फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के एक्सटेंशन के हवाले से जो वोट था, या अभी जो FATF के हवाले से जो वो है, वो भी ऑपोजिशन की वीकनेसेस को हाईलाइट करता है, ऑपोजिशन के सरेंडर को हाईलाइट करता है. और इसीलिए जो हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं या मेंबर्स हैं, उनकी रेजिस्टेंस शुरू हुई है इसके खिलाफ. इसीलिए ये अब जो PDM में हम देख रहे हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग स्टांस ले रहे हैं, इसलिए कि उनका जो वर्कर है वो क्वेश्चन कर रहा है, उनके जो आइडियोलॉजिकल मेंबर्स है क्वेश्चन कर रहे हैं इस सरेंडर को. ये मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव उसमें है कि जब वर्कर्स खुद खड़े होते हैं और लीडर्स को मेज पे देखें. कुछ PDM के ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से पहले सारे पॉलिटिकल लीडर्स क्यों गए और जनरल बाजवा के साथ उन्होंने एक ग्रेड 22 फौजी के साथ उन्होंने क्यों जाके मीटिंग की, ये जो, और वो भी छुप के, जो फिर बाद में उन्होंने सब सारी दुनिया को थ्रू द पिंडी क्लाउन सारी दुनिया को बताया. ये हमारी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसने भी, जैसे मोहसिन दावर ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो खुद एहतसाबी की जरूरत है, जब तक वो खुद एहतसाबी नहीं होगी तो ये चंद सीट्स के लिए या कुछ केसेस की वजह से, जब यू स्टार्ट गिविंग इन योर स्पेस तो फौज तो चाह रही है कि वो कंट्रोल करे. अभी सबको लगता है कि सिर्फ उन्हीं के साथ अगर हम बैठेंगे तो हमें इक्तदार मिलेगा. द कंट्रोल विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज इज टेरिफाइंग एंड कंसर्निंग. वार्ड लेवल तक आपको ऑर्डर्स मिलते हैं और ऑर्डर्स के मुताबिक पॉलिटिकल पार्टीज, आई एम नॉट सेइंग एवरी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि कुछ ने रेजिस्ट किया है और उनको काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है उस रेजिस्टेंस, लेकिन जनरली कहते हैं कि सीटें मिल जाए, पार्लियामानी सियासत हम कर रहे हैं और पार्लियामानी सियासत में तो ये व्हीलिंग डीलिंग होगी और फौज इज इन कंट्रोल. तो मेरे ख्याल में जनरल्स की ये सारा रोल, अगर हम सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं, तो जब तक आईन की बालादस्ती की बात ना हो, पार्लियामान की बालादस्ती की बात ना हो और
political parties ke andar jamhooriyat ki baat na ho, to it's going to be very difficult. I believe ke charter of democracy pe debate zarur honi chahiye aur mere khayal mein PDM is pe baat kar rahi hai social contract ki, lekin ye debate open honi chahiye. Ye debate pe ye dekhna chahiye ke kahan kahan kamzoriyan hain aur uske baad kya steps hame lene chahiye. I would say ke Pakistan is martial law se agar nikli, ye tabhi to main samajhti hu ke jab WEF ne Ziaulhaq ke khilaf nikle, abhi bhi wo nikal aaye hain, mujhe pura confidence hai ki is martial law, the worst form of martial laws hai Pakistan, isko jab tak khatam hum nahi karenge to civilian baladasti ho nahi sakti. Truth commission ki baat hui hai, meri nazar mein truth commission hona chahiye. Acha ek aur baat main karna chahungi idhar, wo ye hai ki aise waqt jab region mein kafi developments ho rahe hain, ek katputli hukumat ka hona aur siyasi leaderan ki khamoshi, ye bahut hi tashwishnak hai. Kyunki ek taraf to America ne Taliban jo proxies hain aur anti Pashtun ek project hai, usko legitimacy de di hai through the withdrawal deal, जो दोहा की विथड्रॉल डील है, उसमें उनको लेजिटिमेसी दे दी है, और इधर कुछ और ठेके दिए जा रहे हैं एक और साइकिल ऑफ वायलेंस के हवाले से. लेकिन इस वक्त पे कोई भी नहीं है कि एक सियासी डिबेट हो. सारी बातें अगर खलीलजाद आता है तो वो भी सीधा जाता है GHQ में बात करते हैं. देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, किसी को पता नहीं है कि ये अभी जो निगोसिएशन हो रही है ये किस हवाले से हो रही हैं. और मुझे जो फिक्र है वो ये है कि एक और साइकिल ऑफ वायलेंस की तरफ हम जा रहे हैं. पश्तून विल सफर अगेन. डेकेड से पश्तूनों के को एक जेनोसाइड चल रहा है जिसपे कोई बात नहीं कर रहा है एक्सेप्ट फॉर PTM और उनके जो साथ अब सपोर्ट में लोग निकल रहे हैं. अमेरिका को भी कभी ये ख्याल नहीं आया, ना उन्होंने ह्यूमन राइट्स के हवाले से पश्तूनों के जेनोसाइड पे बात की. लेकिन हमेशा जब बात होती है तो वो तालिबान की लेजिटिमेसी की बात करते हैं. तो ये जो लेजिटिमाइजेशन ऑफ तालिबान जो हो रहा है, ये वी नीड टू क्वेश्चन. आई वुड से कि साथ शुड हैव अ फोकस्ड डिस्कशन ऑन दिस, क्योंकि इधर जो पोलिटिकल डिबेट होना चाहिए तो पार्लियामेंट में भी नहीं हो रहा. कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा कि क्यों ये जो इस रीजन में ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और ये डेवलपमेंट्स जो हैं तो ये दे आर गोइंग टू बी यूजिंग अस अगेन एज कैनन फॉडर. तो इस पे क्वेश्चन करना, ये पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है, लेकिन वो नहीं कर रहे. रीग्रुपिंग हो रही है तालिबान की, पख्तूनख्वा उनको हवाला कर दिया है. ये जब तक हम लोग, और ये मैं समझती हूँ कि साथ अपने डिक्लेरेशन में भी इसको क्लियरली क्वेश्चन करें. दूसरी जो बात है मेरी नजर में वो ये है कि डीमिलिटराइजेशन जब तक हम नहीं करेंगे पख्तूनख्वा का या अर्स्टवाइल फाटा का, तो सिविलियन सुप्रीमेसी ये एक मिथ ही हो सकती है. इस पर हम सिर्फ बात ही कर सकते हैं. वी हैव टू डीमिलिटराइज दिस होल रीजन. जो एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर जो लॉ है उस पे उसको रिपील करने की जरूरत है. ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको खत्म करने की जरूरत. और जो इंटरनमेंट सेंटर्स बनाए हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंटरनमेंट सेंटर्स, उनको भी खत्म करने की जरूरत है. आज भी मेरे ख्याल में हाईकोर्ट में एक पिटिशन दायर किया है कि वो लिस्ट जो इंटरनमेंट सेंटर्स में जो लोग हैं जिनको रखा गया है, उनके लिस्ट प्रोवाइड किए जाए. हम भी गए हैं सुप्रीम कोर्ट में और वो अभी तक वो केस कोल्ड स्टोरेज में है फिलहाल. तो इसकी भी जरूरत है कि हम जो इंटरनमेंट सेंटर्स हैं उनको क्वेश्चन भी करें. जनरली ये होता है कि क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी नैरेटिव इतना स्ट्रांग है और उसको जब भी आप चैलेंज करते हो तो आप गद्दार बन जाते हो, तो उसकी वजह
से जो कुछ ज्यादतियां हुई हैं फाटा में या पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में जो हो रही हैं, उसको मेन स्ट्रीम क्वेश्चन ही नहीं करता। ये अगर पीटीएम ना खड़ी होती और वो स्टोरीज ना बताती तो मेरे ख्याल में सारी पॉलिटिकल पार्टीज वर जस्टिफाइंग ऑल दैट वाज गोइंग ऑन। ये डिस्प्लेसमेंट्स जो हैं उस पर हमें बात करनी चाहिए। दूसरा ये देखें, बाबर साहब ने तो बहुत ही एक अच्छी फरतुल्ला बाबर साहब ने एक अच्छी तजवीज दी है पीका के हवाले से कि जब तक डेटा और प्राइवेसी प्रोटेक्शन ना हो तो इसको ऑपरेशनल नहीं होना चाहिए। जब तक वो ना हो, वो बाबर साहब उस पर ज्यादा बात करेंगे, लेकिन पीका नीड्स टू बी अमेंडेड। इन्होंने टेररिज्म के जो लॉज हैं उसको भी अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो क्वेश्चन कर रहे हैं उन्हीं के पे लागू करना शुरू किया है। इसी तरह ये पीका जो है तो उसको भी इसी पे लगाया हुआ है। फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए, फ्री एंड फेयर होने चाहिए। जनरल साहब सबको ये रिक्वेस्ट है कि भाई अपना काम करें, जाएं, आपको काफी ज्यादा काम दिया हुआ है, ये कौम जो आप पे इतना खर्च करती है, तो आप अपने काम पे ही लगे रहें और हम आपको अकाउंटेबल करते रहेंगे। आप इस पे हमें नहीं रोक सकते। अगर आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, हमें ये काम करना है। दूसरा, जैसे आई जस्ट से तालिबान प्रोजेक्ट हैज टू बी क्लोज्ड। ये एंटी पश्तून है, ये प्रॉक्सीज हैं, ये प्रॉक्सी जो सारे कभी गुड हो जाते हैं, कभी बैड हो जाते हैं, कभी क्या हो जाते हैं, कभी क्या। वी नीड टू कॉल देम आउट, दे डू नॉट रिप्रेजेंट पश्तून, क्योंकि सबसे ज्यादा पख्तूनों को नुकसान दिया है इन्होंने, ये खत्म होना चाहिए। आईन अभी तो सस्पेंडेड है जब, और मार्शल लॉ है, लेकिन जब तक ये पपेट शो चलता रहेगा तो मेरे ख्याल में हम लोग भी इसी तरह इसको क्वेश्चन करते रहेंगे। द पपेट शो हैज टू कम टू एन एंड, दैट इज माय फाइनल पॉइंट। थैंक यू। बहुत शुक्रिया बुशरा, बहुत मेहरबानी है, आपने इतना कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया पाकिस्तान की पॉलिटिका और मुश्किलात जो दरपेश हैं मुल्क को और बिलखसूस पश्तून खित्तों को, क्योंकि हमारी एक यूनिक जोग्राफियाई सिचुएशन है जिसकी वजह से हम पर दुनिया के अवामिल असरअंदाज होते हैं। और अहम बात आपने अमरीका के हवाले से भी की कि अमेरिका जो है वो अपने मफाद को देखते हुए 2-3 बार उस खत्ते को मसाइल में झोंक चुका है, तो इसकी पेशबंदी करनी जो है वो जरूरी है और साथ उसकी तरफ तवज्जो दे, या कम से कम अपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो कुछ हम कर सकते हैं अवेयरनेस के लिए वो जरूरी है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट यू रियली मेड वाज दैट द सिविलियन डिस्पेंसेशन इन पाकिस्तान हैज टू स्टॉप throwing a lifeline to the army generals when they needed the most, stop acting as human shields to them and start acting more like the policy makers and not like leadership in waiting or leadership in line for their crumbs at their table. People have spoken, we keep saying repeatedly, and I think the leader of one of the leaders of the French Revolution had said, I am their leader, I have to follow them. So maybe it's about time that the leadership of the main political parties actually paid heed to that and did the heavy political lifting. All these conferences, advocacy groups, writing speeches, this is complementary to the political process, but it is certainly not a replacement for the political process and political activism, which can only be done by political leadership and workers. All of us have remained associated with one political party or another, and despite their shortcomings, we always see that there is no shortcut to good politics. Thank you so much. At this note, I'm going to request our keynote speaker. We are blessed and fortunate to have one of the most formidable voices championing human rights, civil liberties, freedoms of expression in Pakistan, especially from our Pashtun lands.
He started his career perhaps in press information department, held editorial positions in some of the leading newspapers of the country, has been advisor to presidents and prime ministers, has a stellar record in the Senate of Pakistan, the upper house of our parliament. Senator Saeb Farghullah Babar, I'm going to request you to please enlighten us with your views. Thank you. थैंक यू शुक्रिया. मेरी आवाज आपको आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है. मैं सबसे पहले साथ फोरम का, हुसैन हक्कानी का, डॉक्टर तकी साहब का और आप सबका शुक्रगुजार हूँ, कॉम्प्लीमेंट करता हूँ. ये आपकी पांचवीं सालाना कॉन्फ्रेंस है लेकिन मैं पहली बार इसमें शरीक हो रहा हूँ और मैंने आपके पिछले सेशन और ये पूरा अटेंड किया. And I really stand educated by the very enlightened discourse by very prominent participants. देखिए, मैं पार्लियामेंट में रहा हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहा हूँ और मैं ऐवान सदर में रहा हूँ. और मेरा ख्याल ये है कि मैंने सिविल मिलिट्री रिलेशंस को ज़रा करीब से देखा, इसलिए मेरा भी एक पर्सपेक्टिव है और मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूँ. ये जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस का जो तनाव है, अगर मैं फिलोसॉफिकली इसको बयान करूं, ऑल पावर बाय इट्स वेरी नेचर इज इनक्रोचिंग. किसी के पास भी, किसी शख्स के पास, किसी इदारे के पास कोई इख्तियार हो तो वो इनक्रोच करता है मजीद इख्तियार को, ताकि वो अपने मौजूदा इख्तियारात का तहफ्फुज़ करें, खा कोई भी इदारा हो. हमारी आर्मी का मैं समझता हूँ कि इन्होंने जब से कमांडिंग इकोनॉमिक हाइट्स एक्वायर की हैं, जब से इनका वेस्टेड कॉरपोरेट इंटरेस्ट बढ़ा है, इनके लिए इंसेंटिव टू डेबल इनटू पॉलिटिकल थिंग्स एंड टू कैप्चर पॉलिटिकल पावर इन्हांस हो गया है, क्योंकि ये फिर अपने कॉरपोरेट इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिटिकल पावर लेते हैं. और जब पॉलिटिकल पावर लेते हैं फिर वो एंड. और ये आप हमने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में हुकूमत है मार्शल लॉ रहे हैं, अरविंद तरमीम, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आया, एनएफसी अवार्ड आया, सब कुछ हुआ, दो इंतखाबात हो गए, तीन इंतखाबात हो गए. अब एक नया मॉडल है, बिकॉज इन लोगों ने, हमारे जर्नेलों ने आईन को दिल से नहीं माना. और अब जो नया मॉडल है गवर्नेंस का, वो ये है क्रीपिंग कू का, कि अब ये क्रीप कर रहे हैं, एक्चुअल कू नहीं है, बट दे हैव क्रेप्ट इनटू इट, इनटू द सिविलियन पावर. और ये क्रीपिंग कू अब ऐसा हुआ है, एक नया मॉडल जो बना है स्टेट क्राफ्ट का, वो ये है कि जो स्टेट की जो गाड़ी है उसके स्टीयरिंग पर कुछ शख्स बैठा है और बज़ाहिर वो ड्राइवर नजर आता है लेकिन गाड़ी के वाइटल कंट्रोल्स उसके पास नहीं है, ब्रेक, क्लच, एक्सेलरेटर, इंडिकेटर उसके कब्जे में नहीं है, वो सिर्फ स्टीयरिंग पर बैठा हुआ नजर आ रहा है. और जब तक वो स्टीयरिंग पर बैठा है एंड द गाड़ी इज गोइंग, द ही इज इंजॉयिंग दिस. और वाइटल कंट्रोल्स पीछे कुछ और लोगों के पास हैं. जो स्टीयरिंग पर बैठा है वो अकाउंटेबल है, जो पीछे बैठे हैं जिनके पास वाइटल कंट्रोल्स हैं वो अकाउंटेबल नहीं है. ऐसी गाड़ी जिसके स्टीयरिंग पर बैठे शख्स के पास कंट्रोल ना हो और वो अकाउंटेबल हो, और पीछे बैठे हुए लोग अकाउंटेबल ना हो और इख्तियार ड्राइविंग कंट्रोल उनके पास हो, ऐसी गाड़ी सूनर आर लेटर एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हो सकती है. और बकौल अपना सुहेल वड़ाइज के, ये कंपनी नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी. अब देखना यह है जी कि अगर ये कंपनी नहीं चलेगी और हमको क्या करना चाहिए और इसके जो मुहर्रकात हैं वो क्या. मैंने चूंकि ये पार्लियामेंट में भी देखा, ऐवान सदर में भी देखा, पार्लियामेंट हाउस में भी देखा, ये जो मॉडल है ये अब चलेगा नहीं. अब जब दिसंबर दो जब जब मई 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आया, फिर इंतखाबात हो गए, 18वीं तरमीम आई, एनएफसी अवार्ड हुआ, सूबों को इख्तियारात मिल गए, तो उसके खिलाफ एक मुहिम चलाई गई. पहले ये कहा गया कि ये तो शेख मुजीब के छह नकात से भी बुरे हैं,
फिर एक मुहिम चली के ऐवान के सदारती निज़ाम होना चाहिए पाकिस्तान में, और ये तक कहा गया कि कायद आजम की एक डायरी दरियाफ्त हुई है जिसमें उन्होंने सदारती निज़ाम हुकूमत की हिमायत की है, और मुशर्रफ के दौर का एक वजीर, बड़ा मोतबर वजीर था, उन्होंने बाकायदा मजमून लिखे और टेलीविजन प्रोग्राम किए और सदारती इंतखाब सदारती तर्ज हुकूमत की हिमायत की। बाद में जब उससे पूछा गया कि आपको कायद आजम की डायरी जिसमें उन्होंने इसकी सदारती तर्ज हुकूमत की हिमायत की थी वो कहाँ मिली है, क्या उसके औराक हैं, तो उन्होंने कहा जी मुझे तो ये बात नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में बताई गई थी, मेरे पास वो नहीं है। सो यू कैन सी यू नो कि एक ढांचा बन रहा है जिसमें सिविलियन सुप्रीमेसी को मुकम्मल ख़त्म करने करके आर्मी की प्रीडोमिनेंस को मजबूत किया जा रहा है। मैंने इसको पार्लियामेंट हाउस में इस तरह देखा कि ये जो क्रीपिंग कू हो रहा है इसके कैसे हुआ, ऐसे हुआ मसलन एक पोस्ट है वो कहलाती है डायरेक्टर जनरल मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट्स, जो एक सिविलियन पोस्ट होती है, और वो शख्स जो होता है ये ऑफिसर ये ज़मीनों का जो मालिक है विच इज़ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान द गवर्नमेंट, वो ही इज़ द कस्टोडियन ऑफ द स्टेट लैंड्स, द आर्मी इज़ द यूजर ऑफ द मिलिट्री लैंड। हमने देखा कि सिविलियन पोस्ट कार्डर पोस्ट के ऊपर मिलिट्री ने जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में कब्जा किया, और मिलिट्री ने उस पोस्ट पर मेजर जनरल को उस वक्त से लेकर आज तक अपॉइंट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह पर ये मामलात उठाए गए, और एक वक्त ऐसा भी आया कि मियां नवाज शरीफ साहब ने हुक्म दिया कि मैं आखिरी बार मेजर जनरल को परमिट कर रहा हूं, इज द लास्ट टाइम, उसके बाद नहीं होगा, लेकिन वो आज तक हो रहा है। दिस और इसी तरह आप देखें कि इनकी जो इकोनॉमिक एम्पायर है फौजी फाउंडेशन विद $4 billion ऑफ एसेट्स इज द लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज। FWO जो है इज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्टर विद $200 billion रुपीज ऑफ द प्रोजेक्ट्स, और DHA इज द लार्जेस्ट यू नो हाउसिंग प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान, ये तमाम फौज का है, और अब फौजियों ने ऑयल पाइपलाइन भी बिछानी शुरू कर दी है, और FWO की सब्सिडरी जो है विच इज FCO ऑयल कंपनी वो भी उनकी बन गई है, और पिछले दिनों $50 billion रुपीज का प्रोजेक्ट उनको ये भी मिल गया। सो दिस इज द जनरल पिक्चर दैट इज हैपनिंग। और जब भी पार्लियामान में ये आवाज उठाई गई और हमने देखा तो पार्लियामान में इन सवालात के जवाबात भी नहीं दिए गए। पार्लियामान ने ये सवाल भी जब उठाया गया कि ये ISI जो है किस कानून के तहत काम कर रही है, उस कानून की कापी दी जाए ताकि हम ये देख लें कि उस कानून में हम क्या तरामीम कर सकते हैं, तो जवाब आया सीक्रेट एंड सेंसिटिव एंड इट कैन नॉट बी शेयर्ड। द पार्लियामेंट वॉज डिनाइड ए लॉ सपोज्ड ए लॉ जिसके तहत ISI ऑपरेट कर रहा है, और जब पार्लियामान ने पूछा कि हमको ये बताया जाए कि आप के ये जो आपके जो जनरल्स हैं डू दे डिक्लेयर देयर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू देयर रिस्पेक्टिव हेडक्वार्टर्स आर नॉट जस्ट एज द सिविल ब्यूरोक्रेसी डज और जस्ट एज द पार्लियामेंटेरियंस डू एंड दे आर पब्लिश्ड, द रिप्लाई वॉज सीक्रेट एंड सेंसिटिव। और जब पूछा गया कि ये बताओ कि कारगिल में आप लोगों ने इंक्वायरी की है या नहीं, ये नहीं कहा कि कारगिल की इंक्वायरी रिपोर्ट दे दो, सिर्फ ये बता दो कि क्या कारगिल में इंक्वायरी हुई है या नहीं, द रिप्लाई वॉज सीक्रेट एंड सेंसिटिव। सो दिस इज द काइंड ऑफ पिक्चर जो ये हो रहा है। मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि इसका इलाज क्या है, हाउ द वे फॉरवर्ड। इन माई व्यू द फर्स्ट थिंग रियली इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज। Political parties, the last decades now, they have been undermined, they have weakened. Chunke unke andar internal democracy itni strong nahi hai, to political parties or political workers jo hai, wo kamzor ho gaye hain. To ab agar military direct intervention bhi karti hai, to siyasi worker jo hai, uski resistance nahi hoti. Wo kehta hai, bhai, main kyon apne aap ko in the path of danger dalun? क्योंकि उसकी पार्टिसिपेशन नहीं। और ये कब से हुआ,
ये उस वक्त से हुआ, पहले तो ये था, होना चाहिए था कि द पॉलिटिकल पार्टी कॉल्स द शॉट्स एंड द पार्लियामेंट्री पार्टी जो होती है वो सबसर्वियंट होती है मदर पार्टी की। लेकिन लियाकत अली खान के दौर से जब मुस्लिम लीग के जो सदर थे ईस्ट पाकिस्तान से उस वक्त के, जब उन्होंने अपने आप को एसर्ट करना शुरू किया तो उसके घर में रात को पत्थरों की बारिश हो गई और उसने मुस्लिम लीग की सदारत छोड़ दी और वो सदारत लियाकत अली खान को मिल गई। और फिर उसके बाद हमने देखा कि द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द हेड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी आर द सेम। तो इस तरह से सियासी जमातें जो हैं वो कमज़ोर हो गई हैं, उनमें डेमोक्रेसी जो है वो कमज़ोर है। मैं समझता हूँ कि पहले तौर पे ये होना चाहिए कि सियासी जमातें जो हैं वो मजबूत हों, उनमें ज़्यादा डेमोक्रेसी हो। दूसरा मैं समझता हूँ जी कि फौज का जो बढ़ता हुआ असर रसूख है वो ये है कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को they've been predicated on one issue of Kashmir and we have predicated the entire everything on the resolution of Kashmir according to what Pakistan wants। मैं समझता हूँ कि एक आवाज़ उठानी चाहिए कि खित्ते में पीस के लिए तिजारत को आप इन इशू से अलहदा रखें। Why there should be no trade in the region? Why no trade between Afghanistan and Pakistan? Why no trade between Pakistan and India? अगर चाइना और इंडिया के दरमियान इतनी सख्त मुखासिमत के बावजूद $100 billion से ज़्यादा उनकी एनुअल ट्रेड है तो पाकिस्तान और इंडिया ट्रेड क्यों नहीं कर सकते? I think that the continued tension between Pakistan and India provides an indirect rationale for the generals to continue their stronghold on politics in Pakistan. My third suggestion is, aur uska pehle session mein bhi zikr hua tha, aur wo tha ki Pakistan Afghanistan aur border fencing. Main samajhta hu ki FATA ko ab open up karna chahiye, aur jab se merger hua hai, merger ke baad koi jawaz nahi banta ki FATA ka ilaka ab bhi black hole ho. अगर हमारी हुकूमत का और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का ये नैरेटिव है कि हमने इसलिए बार बार लगाई है कि वहाँ से दहशतगर्द और यहाँ से दहशतगर्द वहाँ जाते हैं, तो अगर ये नैरेटिव दुरुस्त है तो फिर आप फाटा को क्यों नहीं खोलते हो? वाई फाटा इज़ ब्लैक होल एंड पीपल फ्राम अदर कंट्रीज कांट गो, पर्टिकुलरली वेन फाटा हैज़ बिन मर्ज्ड इन द खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस। और मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, सेनेट में 2017 में, एंड ऑफ 2017 में, ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात हो रही है, द सेनेट ऑफ पाकिस्तान इज ऑन रिकॉर्ड टू हैव रिकमेंडेड अ वेरीफाइबल मैकेनिज्म फॉर डिटेक्टिंग क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट। और अगर और लेकिन उस पर हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी। अगर आप ये कहते हैं कि क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो रही है तो आप सेनेट की उस रिकमेंडेशन पर ए वेरीफाइबल मैकेनिज्म टू चेक क्रॉस बॉर्डर इंट्रूजन वो होना चाहिए और फाटा को ओपन करना चाहिए। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट वन मोर पॉइंट, और वो ये है कि जब से राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून बना है इसका पोटेंशियल बड़ा वास्ट है, बड़ा वास्ट पोटेंशियल है इसका। अगर साथ के फोरम पर और साथ के प्लेटफॉर्म पर ये आवाज़ उठाई जाए और जनरली ये आवाज़ उठाई जाए कि हमारे जर्नलिस्ट, सिविल सोसाइटी के लोग, साथ फोरम के इस तरह के जो इनलाइटेंड लोग हैं, ये आरटीआई कानून का इस्तेमाल करें और वो सवालात पूछें सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से, जो जिन सवालात के जवाबात हमको चाहिए। बहुत कम लोगों को शायद ये इल्म है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून है इसके तहत सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जो है, अगरचे वो पार्लियामेंट को सवालों के जवाब नहीं देते थे, लेकिन अब इस राइट टू इंफॉर्मेशन कानून के तहत उनको पाबंद बनाया गया है। और ये कहा गया है इस कानून में कि अगर हुकूमत ये कहती है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मामला है तो उस सूरत में वजीर साहब को ये तहरीरी तौर पर आर्गू करना पड़ेगा कि हाउ द सिक्योरिटी कंसिडरेशंस आर हेवियर देन द कंसिडरेशंस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। और इस बयान बाद भी सवाल करने वाला मुत्तफिक न हो
तो इंफॉर्मेशन कमीशन का फोरम मौजूद है जो कि इंडिपेंडेंट इदारा है। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि मैंने पिछले दिनों ये सवाल डाला जब जनरल आसिम सलीम बाजवा की बात आई कि उनको 65 एकड़ जमीन भी मिली थी, तो हमने ये पूछा कि हमको ये बताया जाए कि तमाम सर्विसेज के जो 2-star, 3-star, 4-star जनरल्स हैं उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या हैं। तो उसके ऊपर डिफेंस मिनिस्टर ने जवाब नहीं दिया। हम इंफॉर्मेशन कमीशन में गए, इंफॉर्मेशन कमीशन ने उनको लिखा, उन्होंने ये पोजीशन ली कि हम ये नहीं देने वाले, ये वजूहात हैं और दिया। अब TR थान पर जो अगवा हुआ था उसकी जब CCTV फुटेज मांगी है वो उन्होंने नहीं दी, इंफॉर्मेशन कमीशन ने उठा ली। बहुत जल्द आपको ये खबर आ जाएगी कि व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन। आई वुड वेरी स्ट्रांगली अर्ज कि RTI का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाए ताकि वो सवालात पूछे, भले वो सवालों का जवाब न दें लेकिन जब वो सवालात मीडिया में आते हैं, जब लोगों को पता लगता है कि इन सवालात के जवाबात वो नहीं दे रहे तो ये दे देम सेल्फ भी काम भी। और आज आपने देखा आज अखबार की जो हेडलाइन खबर है वो जनरल कमर बाजवा की जो एड्रेस से काकुल में किया है, आज वो भी कहता है कि ये जो क्रिटिसिज्म है इस क्रिटिसिज्म को आई के साथ लिंक अप न किया जाए। आई थिंक दिस इज नाउ रियलाइजेशन। और ये रियलाइजेशन कब से आई है? ये रियलाइजेशन पहले मैं बताऊं कि इट वॉज द PTM फर्स्ट विच अनाउंस्ड द एम्परर इज विदाउट क्लोथ्स, और उसके बाद फिर ये आवाज उठी है। अब ये आवाज पंजाब से भी उठी है, अब ये आवाज 17 सितंबर को पाकिस्तान बार काउंसिल ने आवाज उठाई, उसके बाद 20 सितंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ये आवाज उठी, ये आवाज अब पंजाब से उठी है। तो मैं समझता हूं कि अगर ये आवाजें इसी तरह उठती जाएं तो इनको भी जरा थोड़ा सा एहसास हो जाएगा। और आज उनका ये कहना कि हर क्रिटिसिज्म जो हमारे ऊपर है वो उसको हाइब्रिड वार का हिस्सा तसव्वुर न किया जाए। और आई शुड ऑल्सो लाइक टू से कि ट्रूथ कमीशन का क्याम जो है वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रूथ कमीशन ही जब आएगा और ये सारी चीज़ें उसके सामने रखी जाएंगी। ट्रूथ कमीशन वॉज पार्ट ऑफ द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लेकिन वो नहीं बनाया गया। यहाँ ये बात हुई कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल दरामद सियासी जमातों ने नहीं किया, किसी हद तक तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 95% उस पर अमल दरामद हुआ। जिन क्लासेस पर अमल दरामद नहीं हो सका उनका ताल्लुक वाकई सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से है, लेकिन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ही से मुताल्लिक डिफेंस बजट को पार्लियामेंट में पेश करना, नॉट इन वन लाइनर लेकिन तफसील के साथ पेश करना। अब अगर हमारे मेम्बरान पार्लियामेंट इतने एजुकेटेड ना हो या मेहनत ना करें तो वो और बात है, लेकिन अब डिफेंस बजट में काफी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। जॉब ऑफ द पार्टी इज नाउ टू इक्विप देम एंड राइट फॉर्मुलेशंस। ये जो दूसरा जो था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि नेशनल कमांड अथॉरिटी जो है उसका सरबराह पहले जो सदर था ये पार्लियामेंट के हवाले किया गया, ये भी पार्लियामेंट में चला गया। ऑल्दो अगेन द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हैज ट्राइड टू रिटेन द कंट्रोल, कि उन्होंने एक और कानून करवा के ये कर दिया कि SPD का स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन का जो डायरेक्टर जनरल होगा वो 3-star आर्मी जनरल होगा, जबकि पहले इट यूज टू बी अ 3-star ऑफिसर ऑफ एनी डिफेंस सर्विसेज एज वेल एज फ्रॉम द सिविल। ये इंक्रोचमेंट की गई है सिविल के इख्तियार पर। तो ये एक कंटिन्यूस जंग है जो जारी है, और इसमें मैं समझता हूँ कि इस तरह के फॉर्म्स पर सियासी जमातों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। एंड आई थिंक आई कांट से दैट आई एम ऑप्टिमिस्टिक ऑल थ्रू, बट आई थिंक देयर इज होप, देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल प्रोवाइडेड हम ये कंसिस्टेंटली ये करें। एक इन्होंने जो ये काम किया है कि ये जो क्रीपिंग कू बढ़ रहा है, इन्होंने क्रीपिंग कू के लिए मीडिया पर अटैक किया है, और खा वो पीका का कानून हो, खा वो जियो जंग और डॉन अखबार की बंदिश हो कैंटोनमेंट एरियाज में, खा कोई भी हो, द मीडिया हैज़ बीन कंस्ट्रेंगुलेटेड बाय देम नंबर वन। और दूसरा
NGOs जो है non-governmental organization उन पर भी control किया गया है और वो ये NGOs थे जो पहले economic affairs division के अंडर होते थे इनको very quietly they have been brought under the interior. Now interior is the law enforcing agency और human rights की complaints उन्हीं के खिलाफ होती हैं NGOs को भी उनके मातहत through an executive order लाया गया है not through a parliamentary legislation. हमको ये आवाज उठानी चाहिए that there should be a legislation for the oversight of the NGOs and not through an executive order. It is handed over, it should be handed over to the interior. That is wrong. So I understand that this should also be done. The second thing I should like to say is that this is the 18th term and NFC, why there is an opposition to this? The opposition is because ये जो NFC अवार्ड आया है इस NFC अवार्ड के बाद जो पहले होता था कि डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट नेशनल किटी में हाथ डालकर जितना पैसा निकालना चाहती थी निकाल देती थी अब NFC अवार्ड के बाद ये सिस्टम खत्म हो गया बिकॉज़ दी NFC दी कॉन्स्टिट्यूशन नाउ सेज कि जो लास्ट NFC अवार्ड था नया NFC अवार्ड उससे सूबों का हिस्सा उसमें कम नहीं होगा ज्यादा हो सकता है कम नहीं हो सकता अब सूबों का हिस्सा 57.5 है फेडरेशन का हिस्सा 42.5 है और अब अगर नया बनेगा तो 57.5 से कम नहीं होगा अब चूंकि वो कम नहीं होगा तो इनको डर ये है कि जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट कौमी खजाने में हाथ डालकर अपनी मर्जी का पैसा निकालती थी वो अब नहीं होगा अब चूंकि वो नहीं होगा इसलिए इसके खिलाफ ये आवाज उठा ये कर रहे हैं कि जिस सदारती निजाम हो और ये NFC नहीं चलेगा 18वीं यानी तरमीम नहीं चलेगा और 18वीं यानी तरमीम की मुखालिफत इसलिए भी हो रही है कि इस तरमीम की रूह से जब ऐवान सदर को इस्तेमाल किया जाता था 58(2)(b) के जरिए उसको खत्म कर दिया गया और अब पार्लियामान और मुंतखब वजीर आजम को सदर या कोई और बरतरफ नहीं कर सकता था तो उसका इन्होंने तोड़ ये निकाला कि अदलिया के कंधे को इस्तेमाल करके एब्यूज ऑफ जुडिशियल प्रोसेसेस करके अदलिया के जरिए दो वज़ीर आज़म को घर भेज दिया और कई पार्लियामेंटेरियंस को भी घर भेज दिया तो ये आवाज उठानी चाहिए ये आवाज उठानी चाहिए कि 58(2)(b) के खात्मे के बाद नाउ द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट इज लीनिंग ऑन द जुडिशरी बाय अब्यूजिंग द जुडिशियल प्रोसेसेस टू डिसमेंटल द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स और आई शुड देन कंक्लूड आल्सो बाय सेइंग कि जो वाकया हुआ है स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो आई है इसको बार बार उठाना चाहिए और इस पर खामोशी क्यों है ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक रिटायर्ड जर्नल के बारे में खबर आती है इतना संगीन अल्जाम होता है और उसकी दो लाइनों की एक्सप्लेनेशन को वजीर आजम ऐलान करता है कि ये मैंने मान लिया है वाह और उसका अपना बयान कोई नहीं होता वो जो खबर छपती है वो मीडिया पे नहीं आती और उसका जो रद्द अमल है वो छपता है ये सोचने वाली बात है मैं समझता हूँ कि इसकी वजह ये है कि अगर ये इंक्वायरी हो गई अगर ये बात आगे बढ़ी पेंडोरा बॉक्स खुलेगा और फिर सिर्फ एक शख्स नहीं होगा औरों के भी नाम आएंगे और ये हरगिज नहीं चाहते कि औरों के भी नाम हो इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म पर सियासी जमात और दूसरे लोग ये मुतालबा बार बार दोहराते रहें कि जब तक इसमें इंक्वायरी नहीं होगी और ट्रांसपेरेंट शफाफ इंक्वायरी नहीं होगी उंगलियां उठेंगी ये हमारे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के मफाद में है कि वो मान जाए इस बात की अगर आप GIT बना सकते हो हर शख्स के लिए यहाँ GIT क्यों नहीं बन सकती ये आवाज़ उठनी चाहिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ साथ का और तमाम दोस्तों का जिनसे मैंने आज बहुत कुछ सीखा ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू थैंक यू वेरी मच बहुत नवाजिश सेंटर बाबर साहब बहुत इनायत आपने इतना एनलाइटनिंग खिताब फरमाया हमारे ग्रुप से हम सबको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और चूंकि आप ताकत के
सर चश्मों के करीब रहे हैं और वहां से उनको करीब से देखने का मौका मिला है, तो ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस जो है हमारे लिए बहुत एनलाइटनिंग है और इन्फॉर्मेटिव. एक एक फारसी का शेर याद आ गया आपकी रिटर्न टू इंफॉर्मेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन RTI के ऊपर सुन के आप सवाल पूछे जाए चाहे वो जवाब न दें. शायद राग़िब तबरीज़ी का एक शेर है कि सदनामा नविश्तम व जवाबे न नविश्ती, सदनामा नविश्तम व जवाबी न नविश्ती, इन हम के जवाबी न नविसंद जवाबस्त. हमने तो 100 खत लिखे मगर उन्होंने हमें एक खत का जवाब भी नहीं दिया. ये जो जवाब नहीं देते ये भी तो एक जवाब ही है. तो हमारा काम है सवाल पूछे जाना और पॉइंटेड क्वेश्चंस पूछे जाना. जो जवाब न दें वो जाहिर है कि एक्सपोज हो रहे हैं और होते चले जाएंगे. और हमारी तरह के फोरम्स का काम यही है कि ऐसे सवाल जो छुपते हुए हों, मुश्किल हों, उनको उठाया जाए पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर. और इसमें जो तावन मुझे हासिल रहा है हमारे साबिक सफीर पाकिस्तान के रियासतें मुत्तहिदा अमरीका में और मेरे पार्टनर इन क्राइम को कन्वीनर एम्बेसडर हुसैन खानी, और पार्टनर इन क्राइम मैं कंसिडर्ड तरीके से कह रहा हूँ, फैज का शेर है कि हाँ जुर्म वफा देखिए किस किस पे वो साबित, हाँ जुर्म वफा देखिए किस किस पे वो साबित, वो सारे खतावार सरेदार खड़े हैं. तो ये क्राइम तो हमने किया और करते चले जाएंगे. और इसके साथ मैं एम्बेसडर हुसैन खानी को दरख्वास्त करूंगा उनसे कि वो एक जामे मगर मुख्तसर खिताब फरमाएं और साथ फोरम का जो 5वां सालाना इजलास है उसको तमाम करें. बहुत शुक्रिया एम्बेसडर खान. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद तकी कहूँगा, मोहतरम सेनेटर फरजुल्ला बाबर साहब का जिनके साथ मुझे बहुत करीबी न्याजमंदी हासिल रही है, अफरासियाब खटक साहब का जो हमारे साथ पहली साथ कॉन्फ्रेंस से अब तक शामिल हैं और साथ खड़े हैं, बुशरा गौहर साहिबा का और मोहसिन दावर साहब का. और मोहसिन दावर साहब का इसलिए भी खास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनको बिला वजह बाज़ोकात हमारी वजह से परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि उन पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो इन गद्दार साथ वाले गद्दारों के साथ खड़े हो गए हैं. जब हमने ये फोरम शुरू किया था 5 साल पहले तो उसका सबब यही था कि पाकिस्तान में हमें जमहूरी आवाज़ें दबती नज़र आ रही थी और महसूस ये हो रहा था कि एक बयानिए को मुल्क पर मुसल्लत किया जा रहा है. और ये बात नई तो नहीं थी लेकिन अब ये हो रहा था कि जो छोटी मोटी हल्की फुल्की आवाजें थी उनको भी दबाने पर बहुत ज्यादा तवज्जो सर्फ की जा रही थी. अब पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मत तारीख है, इसमें एक अहम नाम है AK फजलुल हक का जिन्होंने करारदाद पाकिस्तान 1940 में पेश की थी. 1954 में वो मशरकी पाकिस्तान के वजीर आला मुंतखब हो गए इंतखाबात में और 2 महीने बाद उनकी हुकूमत को बर्खास्त कर दिया गया. और उनकी हुकूमत को बर्खास्त करते हुए ये कहा गया कि वो मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी की साजिशों में मसरूफ हैं और मुल्क दुश्मन हैं और गद्दार हैं. अब ये वाकया होने के बाद तवक्को तो, और उन्हें घर में नज़रबंद कर दिया गया. ये वाकया होने के बाद तवक्को तो ये होनी चाहिए थी कि उनको फिर मुकदमा उन पर चलता, उनको सजा दी जाती. हुआ यूं कि 1955 में मुस्लिम लीग को अपनी हुकूमत बनाने के लिए नए इत्तेहादियों की जरूरत पड़ी और उन्हीं फजलुल हक की जो पार्टी थी कृषक श्रमिक पार्टी उसको वफाकी काबीना में शामिल कर लिया गया. तो AK फजलुल हक भी समझदार आदमी थे, उन्होंने क्या किया कि उस फैसले में उन्होंने ये बात मनवाई कि उनको वजीर दाखिला बनाया जाएगा. तो पाकिस्तान की तारीख में ये भी वाकया हुआ कि गद्दार करार दिए जाने के कुछ अरसे के बाद आदमी वजीर दाखिला बना दिया गया. उसके बाद अगर किसी को यह गुमान था कि हम गद्दार करार दे के लोगों को चुप करा देंगे, डरा देंगे, तो ये खत्म हो जाना चाहिए था. लेकिन ये सिलसिला कभी खत्म नहीं हुआ. और उसका सबब यह है कि वो जो अफजल खान का शेर है कि तू भी सादा है कभी चाल बदलता ही नहीं, और हम भी सादा हैं उसी चाल में आ जाते हैं. कौम में भी एक भोलपन है कि वो हर थोड़े अरसे के बाद तवज्जो देने लगती है, वरना कौम को अपना स्विच ऑफ कर देना चाहिए इस तरफ से कि किसको गद्दार करार दिया जा रहा है, किसको दहशत करार दिया जा रहा है, मुल्क दुश्मन. क्योंकि
कई बार लोगों को गद्दार और मुल्क दुश्मन करार देने के बाद उनसे समझौता किया गया, उनको आला ओहदे दिए गए, उसके बाद उनको फिर गद्दार करार दे दिया गया, जिससे ये साबित हो गया कि मसला किसी की गद्दारी नहीं है, मसला ताबेदारी है। और ये वो ताबेदारी है जिसकी बड़ी तफसील अफरासियाब खटक साहब ने, बुशरा गौहर साहिबा ने और फरतुल्ला बाबर साहब ने बयान की है। फरतुल्ला बाबर साहब ने तफसील से ये भी बयान किया कि इसके असबाब क्या हैं, वो क्या मफादात हैं जिनके लिए हम सब की ताबेदारी मतलूब है। ये भी वाजह हो जाता है कि मुझ जैसे आदमी के खिलाफ जो इस कदर शोर मचाया जाता है वो इसलिए नहीं कि मैं कोई बहुत ताकतवर आदमी हूँ। मैं एक छोटे से घर में वॉशिंगटन में रहता हूँ, मुलाजमत करता हूँ यहाँ तहकीक और तदरीस की, और उस और इस लाइब्रेरी में जहाँ से आपसे मुखातिब हूँ यहीं बैठा होता हूँ। इनको बयानिए से डर लगता है, इनको बयानिया बयान करने वाले से डर नहीं लगता। आज जब मैं सफीर बनाया गया 2008 में, सिविलियन हुकूमत ने बनाया, तो उसके फौरन बाद जब मेरी अस्करी क्यादत से पहली मुलाकात हुई तो उसी ने मुझसे कह दिया गया कि आपको पता है कि हमारे जो तहफ़ुज़ात हैं आपके बारे में उनका आपकी ज़ात से कोई ताल्लुक नहीं है, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, आप बड़े अच्छे आदमी हैं, आपके ख़ानदान के बारे में भी हमने तहकीक कर ली, आपके बैंक अकाउंट की भी तहकीक कर ली, आपके पास कोई ऐसे वसाइल नहीं है जिससे लगे कि किसी गैर मुल्की ताकत से आप वसाइल हासिल करते हैं। मसला जो है वो आपकी किताब है, और किताब थी वो पाकिस्तान बिटवीन मॉस्क एंड मिलिट्री, जो उर्दू में भी छप चुकी है, जिसमें मैंने ये वाजे किया था कि पाकिस्तान में जो ये मजहबी जमातें हैं और उसके अलावा जो दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी है मजहबी, इसको हमारे अस्करी इदारों ने अपने मफादात की खातिर आगे बढ़ाया है। तो खैर, कहा यह गया कि आप ये किताब वापस ले लें। अब कोई किताब कैसे वापस लेता है भाई, एक तहकीक का काम है, उसमें हक लिखे हुए हैं, लेकिन ये कहा गया। और उसके बाद के पढ़ें, उसमें कोई चीज पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ नहीं है, उसमें सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान को अमेरिका की इमदाद, जो कि हमेशा शर्तें होती हैं, अय्यूब खान के जमाने से अब तक अमेरिकी इमदाद हमेशा मशरूत मिली, ये पहली बार थी कि उसमें शर्त ये थी कि पाकिस्तान में सिविलियन बालादस्ती होगी, और अगर कोई इदारा जो फौज के ताबे है और जिसमें अस्करी अफसरान है, उसका नाम भी था इदारे का, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि जैसे पुराने जमाने की बुजुर्ग खवातीन जो हैं वो डरती थीं कि अगर अपने शौहर का नाम ले लेंगी तो उनका निकाह टूट जाएगा, तो मैं भी थोड़ा अब डरने लगा हूँ कि बार बार उनका नाम लेने का क्या फ़ायदा, सबको पता है तीन हर्फ हैं तो तीन हर्फ भेज दिए जाएं जल्दी के साथ, जिनमें से दो हर्फ एक ही हैं। तो जी उस इदारे का नाम था बिल के अंदर कि उसको सियासत में मदाखलत की इजाज़त नहीं होगी, और अगर सियासी मदाखलत साबित हो गई तो फिर अमरीकी इमदाद बंद हो जाएगी। हमने नहीं बनवाया था बिल, लेकिन फिर भी उसके ऊपर हमें मुरीद इल्जाम इसलिए ठहराया गया कि हमने उसको रोका क्यों नहीं, हालांकि किसी और मुल्क का किया कानून साजी में कोई कैसे मदाखलत कर सकता है। ये सारी तफसील बयान करने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि ये गेम या ये खेल जो है इसको समझना जरूरी है कि खेल नजर कुछ आता है होता कुछ है, असल खेल सारा का सारा एक इदारे की पूरे मुल्क के तमाम उमूर पर बालादस्ती को कायम रखना है, और ये मुल्क के मफाद में नहीं है, ये मुल्क के मफाद में नहीं, क्योंकि उस इदारे की तरबियत एक मखसूस जहन के साथ होती है। मैंने कल भी अर्ज किया था कि उनकी तरबियत होती है दुश्मन को ढूंढना और दुश्मन को मिटा देना, मगर अगर अपने ही लोगों के साथ बात करनी हो तो फिर उन्हें अपने लोगों को दुश्मन समझना शुरू कर देना पड़ता है, और इससे फिर वो मसाइल पैदा होते हैं जिसके नतीजे में मशरकी पाकिस्तान जैसे साने होते हैं। तो एक वक्त आएगा, अभी भी हमारी तादाद में इजाफा हो रहा है, लोग हमारे साथ आ रहे हैं, जिन इशूज़ के ऊपर हम आवाज़ें उठा रहे हैं और 2016 से उठा रहे हैं, वो सारे के सारे इशूज़ पाकिस्तान में बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते, लेकिन हमारे साथ बोल लेते हैं, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इरताश पैदा होता रहता है। आज फरतुल्ला बाबर साहब ने बहुत उम्दा तजावीज़ दी हैं कि चंद और काम हैं जो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एग्जाइल में रहने के या मुल्क से बाहर रहने के नुकसान बहुत हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि आप अपनी ज़मीन से कटे हुए होते हैं, बाहर बैठे होते हैं, लेकिन फ़ायदे भी बहुत हैं, और बहुत बड़ा फायदा यह है कि हमें वो आज़ादी हासिल है बात करने की जो पाकिस्तान में लोगों से सल्ब कर ली गई है, हमें वो आज़ादी हासिल है तहकीक करने की जो वहाँ लोगों से सल्ब कर ली गई है। हम यहाँ लाइब्रेरियों में, कुतुबखानों में, सरकारी जो डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें रिसर्च कर करके चीज़ें निकाल सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि हमारा जो कौमी बयानिया है वो कैसे एक पूरे झूठे मफूजे पर खड़े हैं,
और जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा, जो हकीकी बुनियाद है उस पे मुल्क बनाओ और चलाओ। और हकीकी बुनियाद यही है कि पाकिस्तान में कई कौमियतें पहले से रह रही हैं, सैकड़ों सालों से, हजारों साल से रह रही हैं, उनका अगर एक मुल्क बनेगा तो वो विफाक के तौर पे चलेगा, और अगर विफाक के तौर पे चलेगा तो उस आईन के तहत चलेगा जिस पर सबका इत्तेफाक राय है, और अगर आईन के तहत चलेगा तो आईन में जिस जिस की जो हद मुतय्यन हुई है उसको उस हद में रहना पड़ेगा, और जब उस हद से तजावुज होगा तो कोई ना कोई इदाराती निज़ाम ऐसा होना चाहिए जो उस तजावुज को रोक सके। अब हुआ यह है कि क्योंकि एनक्रोचमेंट हो चुकी है तो यहाँ किसी को तजुर्बा नहीं है ज्यादा, लेकिन कम अज कम हमने देखा जरूर है कि एनक्रोचमेंट को खत्म करना सबसे मुश्किल काम होता है, एनक्रोचमेंट को रोकना फिर थोड़ा आसान होता है, लेकिन जो एनक्रोचमेंट हो चुकी है उसको मोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है, और वही मुश्किल है जिसका हम सबको सामना है। और इसके लिए राय आमा को मुतहर्रिक करना, बैन अल-अक़वामी जो राय आमा है उसका फायदा उठाना, क्योंकि बहरहाल जैसी भी हालात हैं पाकिस्तान में, ये एक हकीकत है कि हमारे जो कौम के बालादस्त इदारे हैं उनका दाल दलिया बैरून मुल्क से आता है, और उसका सबब बदकिस्मती से ये है कि हमने अपने मुल्क की मईशत को मुस्तहकम नहीं होने दिया। जो ये अस्करियत है इसका एक और नुकसान ये है कि न मईशत मजबूत हुई है, न मुल्क की जो इंसानी यानी जिसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसानी तरक्की, वो मजबूत हुई है। 1947 में पाकिस्तान का जो लिटरेसी लेवल था यानी शरे खानगी वो 16% थी, भारत की 18% थी, और जो अब बांग्लादेश है उसकी 11% थी। आज बांग्लादेश की 78% है, भारत की 79% है, और पाकिस्तान की 53-54% है। तो जो थोड़ा सा फर्क था वो ज्यादा फर्क क्यों हो गया, इस पर किसी को तो बात करनी होगी, किसी को तो सोचना होगा, और उस सोचने में हमें यह भी समझना होगा कि क्या हमने वसाइल गलत तरफ लगाए हैं। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मेरा ख्याल है कि यहाँ हम सब दोस्त हैं, साथी हैं। अरबी में हम सबके लिए एक इस्तलाह इस्तेमाल होती है कि खंदक रफीक फिल खंदक अल वाहिद, कि वो लोग जो एक ही खंदक में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम सब एक ही खंदक में बैठे हुए हैं और हम इकट्ठे हैं, हमें मिलजुल के बहुत से काम करने हैं। ये हमने साथ बनाया ही इसलिए कि सबकी इनफरादी कोशिशों को मुंसलिक किया जाए और इसकी आवाज़ को एम्पलीफाई किया जाए। चंद फैसले इंतजामी किस्म के हैं जो हम करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला, जो हम सारे साथी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर बातें करते हैं, जो करारदादे हैं वो मैं उस पर पेश कर दूंगा ताकि वक्त बचे सबका, करारदादें मंजूर हो जाएंगी, उसके बाद फिर हम इंतजामी तौर पर भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारी वेबसाइट और हमारी ट्वीट और हमारा सोशल मीडिया प्रेजेंस काफ़ी बढ़ चुका है, और हम अब क्योंकि ये तजुर्बा कामयाब हो गया है कि हम दूर दूर बैठकर भी व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, और हमारे जिन साथियों को बैरून मुल्क सफ़र से रोक दिया जाता है हमारी कॉन्फ्रेंसों में आने के लिए, वो कम अज़ कम इस जरिए से शरीक हो सकते हैं, तो हम अब अपनी असर को बढ़ा सकते हैं। जो उसूल हैं वो हमारे तय हैं, मेरा ये ख्याल है कि इस पर कोई यहाँ हमारे दरमियान राय का फर्क नहीं है कि मुल्क में इदारों के दरमियान जो अदम तवाजुन है वो खत्म होना चाहिए, सियासी जमातों को अंदरूनी जमहूरियत भी लानी चाहिए लेकिन खुद भी मजबूत होना चाहिए, और इनक्रोचमेंट की इजाजत मजीद नहीं देनी चाहिए, और जो इनक्रोचमेंट हो चुकी है उसको पीछे की तरफ मोड़ने की कोशिश करना चाहिए, और जो पाकिस्तान की कौमियतें हैं उनको उनका न सिर्फ हक देना चाहिए बल्कि उनकी हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। ये बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जो तारीख पढ़ाई जाती है स्कूलों में और कॉलेजों में, उसमें उन कौमियतों की जो तारीख है उसको हमने बिल्कुल डाइल्यूट करके रख दिया है, और ऐसी बात बना दी है कि जैसे इस्लाम के दुनिया में आने से लेकर और पाकिस्तान के बनने तक दरमियान में कुछ नहीं हुआ, और कौमियतें जो पाकिस्तान में रहती हैं उनकी कोई और तारीख नहीं थी अलावा इसके कि पाकिस्तान में शामिल हो गए। इससे लोग इकट्ठे नहीं रहते, लोगों को इकट्ठा रखना है तो लोगों के दिल जीत के इकट्ठा रखना होगा। मुझे खुशी ये है कि हमने जो पौधा लगाया था वो अब एक तनावर दरख्त बन गया है। अहमद फराज का शेर है कि मैं चुप हुआ तो वो समझा कि बात खत्म हुई, फिर उसके बाद तो आवाज जा बजा थी मेरी। तो खुदा का शुक्र है कि अब हमारी वाली बात वो सियासी पार्टियां भी कर रही हैं जिनके अपने रहनुमाओं ने हमें अपने अपने दौरे इख्तदार में मतून किया। इस वक्त दोनों बड़ी सियासी जमातों के लीडरान में कोई ना कोई ऐसा मौजूद है जिसने हम में से किसी
किसी न किसी को और खाकसार को जाती तौर पर सिर्फ उन इदारों के कहने के ऊपर जिन इदारों से अब वो लड़ रहे हैं, जिन इदारों ने उनको इख्तदार से महरूम किया। तो अगर उस वक्त वो उसूल का मौकफ इख्तियार करते और ये कहते कि नहीं, किसी भी फर्द को नाजायज निशाना ना बनाओ, क्योंकि अगर तुम आज एक फर्द को गद्दार करार दोगे बगैर किसी मुकदमे के, बगैर किसी कानूनी प्रोसेस के, तो फिर कल हमें भी गद्दार करार दे सकोगे। और हुआ यही है। अब आजकल आप देख लीजिए कि सोशल मीडिया पे जो मुहिम चलाई जा रही है वो यही है कि मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के बारे में उसी किस्म की बातें की जा रही हैं जैसे हम में से बाज़ अफराद के बारे में की गई थी। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने वक्त निकाला। हमारी तमाम जो कोशिशें और काविशें हैं उनमें मुझे उम्मीद है कि हमें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कामयाबी ज़रूर होगी, क्योंकि हमारा मौकफ तारीख और खुद पाकिस्तान के आईन की रोशनी में बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।